फ्लैगशिप एक्सपीरियंस। ओ भाई साहब, 90 FPS गेमिंग। ये हुई ना बात। इसके एक्चुअल प्राइस 25 999, बट ऑफर में ये आपको 20 999 में मिलेगा। इसके अंदर है पावरफुल स्मार्टफोन। अच्छा। ओ हो हो हो। रोड। ओहो। ये क्या है? ओहो, यहाँ लिखा हुआ है 2.4 गीगा रेडमी के। कुछ तो गड़बड़ है दया। ओ धुम मचा ले। ओ भाई साहब, पावर देखो, इसने तो फॉर्च्यूनर को ही फेल कर दिया। चढ़ जा। तो आ गया है Redmi का मोस्ट पावरफुल फोन अंडर 30,000 रुपीस। ओए होए हो, ये क्या है? Redmi K50i 5G। गेट सेट गो। ओके, तो ये है Redmi K50i। K4? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। नहीं पता। iPhone India। जिन लोगों को नहीं पता बता दो, Redmi के जो K सीरीज के फोन है ये फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस बहुत आर्ट। आपको याद होगा कुछ साल पहले Redmi का K20 Pro आया था। K सीरीज का लास्ट फोन था। K सीरीज इज बैक। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जिसके भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे यू। Redmi by Xiaomi। ओहो, हवेली के पेपर। ये हवेली का कवर। ओए, क्या बात है। ये दिल जोड़ने वाली केबल, 67 वाट चार्जर। ये देखो कितना शाइन कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रील्स में लोग फिल्टर लगा के चमक रहे हैं। जोक से पार्ट, वैसे वो जोक नहीं था। इसका डिजाइन देखो, वो काफी शाइन कर रहा है। डीजे राजेश, इसका जो बैक है ये पॉलीकार्बोनेट है बट मैट फिनिश के साथ आता है। फिंगरप्रिंट निशान नहीं आते, देख कर रहा हूं। नहीं यार, स्क्रैच। हाँ, थोड़ा हार्ड करेंगे तो शायद आएगा, तो वरना ऐसे नॉर्मल स्क्रैच करने पे नहीं आ रही। देखो मैट फिनिश है ना। 8.87 mm इसकी थिकनेस है। ऐसे हाथ पे पकड़ोगे थोड़ा सा मोटा फील होगा बट ग्रिप काफी अच्छी देता है। इसका जो डिस्प्ले है ये 6.6 इंच वाला FHD प्लस LCD डिस्प्ले है। फ्रंट में एक छोटा सा पंच होल है। उनका डिस्प्ले AMOLED नहीं है बट बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है। Dolby Vision, HDR10, LCD डिस्प्ले है बट क्वालिटी काफी अच्छी है। देखो पंची है, वाइब्रेंट है, ब्यूटीफुल तो है यार दोनों डिस्प्ले और हीरोइन। AMOLED होता ज्यादा मजा आता बट स्टिल जो इसकी क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। इतना कहूंगा इसमें देखने में आपको मजा आएगा। 650 nits इसमें पीक ब्राइटनेस है। ये लोएस्ट है देखो, ये 25%, ये 50%, ये 75%, ये 100%। डिस्प्ले ब्राइट इनफ है। सेटिंग पे जाते हैं, स्क्रीन रिफ्रेश रेट 144 Hz। मतलब हर बार थोड़ी हो गया डिजिटल डिस्प्ले 144 Hz पे काफी स्मूथ फील होता है। ठाकुर बचा लियो। Gorilla Glass 5S में नीचे सिम स्लॉट है, डुअल सिम स्लॉट है, नो SD कार्ड। ये छोटा गड्ढा, टाइप सी स्टीरियो स्पीकर, ये वॉल्यूम बटन और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। ये ऊपर नॉइस कैंसिलेशन और आयर ब्लास्टर। ये स्पीकर, ओहो गड्ढा है, गड्ढा इज वेरी इंपॉर्टेंट। Dolby Atmos जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी। ये पीछे की साइड दो बड़े बड़े, एक छोटा सा है कैमरा, एक 64 मेगापिक्सल का मेन, ये 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और ये बाकी है समझ जाओ फ्रंट 16 मेगापिक्सल। आओ ना यार मिलके लेते हैं। क्लैरिटी दिख रही है, ये देखो यार। ओ हो 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 हो, भाई साहब क्वालिटी तो अच्छी दिख रही है स्क्रीन पे। अल्ट्रा वाइड, ये देखो यार इमेज क्वालिटी। ओए होए होए होए, क्या मस्त कलर दिए। कलर्स बहुत अच्छे लगे मेरे को सच बताऊं तो, आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में। और जूम करते हैं, डिटेल्स भी देखो बहुत अच्छी है। ये जो कलर है थोड़ा सा लाइट है, यहाँ पे थोड़ा सा सैचुरेटेड कर दिया है। ऑनेस्टली बताऊं तो ये देखने में ज्यादा बेटर लग रहा है। ये अल्ट्रा वाइड हल्का सा अंडर एक्सपोज है, बाकी ये एक मैंने अपनी ली बट देखने में अच्छा लग रहा है। ये देखो डिटेल्स अच्छी है, देखो छोटी छोटी गिनी चुनी मुझे यस दिखाई देती है, मतलब कैमरा अच्छा है। हल्का सा वार्म स्किन दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो एक चीज है, आउटडोर में काफी जबरदस्त फोटोज आते हैं। ये देखो पोर्ट्रेट मोड से ली गई है एंड डिटेल्स देखो भाई साहब। ओए होए होए, एक ये देखो डायनेमिक रेंज, एक ये रेड फ्लावर की देखो और एक ये व्हाइट फ्लावर की देखो। रियर कैमरा काफी अच्छा है, आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में काफी अच्छे फोटोज लेता है। कितना पतला फेस दिखा रहा है यार, ऐसा ब्यूटी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ब्यूटी, ओहो ब्यूटी है वो भी। ऑफ कर देते हैं, चलो अब लेते हैं और एक ब्यूटी मोड के साथ। ब्यूटी के है ये देखो, और सेल्फी में भी डिटेल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखो स्किन टोन मुझे अच्छा लगा आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में। और एक ये फिल्टर से, ओए होए 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 भाई साहब, देखो जो छोटे मोटे दाग धब्बे होते हैं स्किन में सारे गायब कर दिए। ये देखो ब्यूटी हल्का सा ऐड करके कितना मस्त लग रहा है, खूबसूरत मनोज सारू। बाकी वीडियो का फोकस चेक करते हैं। ओहो फास्ट है ये देखो, ओहो क्या बात है, सुपर फास्ट है ये देखो। इसमें देखो 4K 30 FPS पे सपोर्ट है और 1080p 60 FPS पे सपोर्ट है। फ्रंट से 1080p 60 FPS पे सपोर्ट। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस।
गेमर्स की, मतलब पिरो गेमिंग की। इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 चिप दे रखा है, 5nm वाला चिप। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, ये मीडियाटेक का फ्लैगशिप चिप है, फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस है। इसका एक मैक्स वर्जन भी है, बट ये 8100 भी काफी पावरफुल है। दिखाता हूं बाबा, दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, इसमें मैंने थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करके देखा, 81% सीपीयू थ्रॉटल परसेंटेज निकल के आया है, और जो ग्राफ निकल गया वो काफी अच्छा है। इसका एंड्रॉइड स्कोर देखो 8 लाख प्लस निकल के आया है, डेफिनेटली काफी तगड़ा स्कोर है। हम ऐसे नहीं लेंगे, तो चलो यार करते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं और ग्राफिक्स चेक करते हैं। स्मूथ बैलेंस एचडी एचडीआर, ओके अल्ट्रा एचडी नहीं है, स्मूथ। ओ मारा धीकरो, ये हुई ना बात। क्या ग्राफिक्स है यार, देखो एकदम स्मूथ। रिस्पांस देखते हैं, ये देखो कितना फास्ट है रिस्पांस। ओए रिस्पांस अच्छा है, चलो रिस्पांस काफी अच्छा है। देखो ग्राफिक्स देखो क्या स्मूथ है यार, 90 fps पे। ओहो ये देखो, ये देखो। अबे अबे ओ दिवाली। ओके एक दो को मारते हैं। अरे हेलो, जानते हैं हमारे पास क्या है गेमिंग के लिए। इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग भी है। अबे हम पीरो मनो सारू है। ओ चल 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 चल, देखो ओ पीरो लड़की। गेम खेलते वक्त ऐसा हीट फील नहीं हो रहा। ओके देखो अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो जो गेमिंग एक्सपीरियंस है अभी तक एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। ऐसा कोई लैग फ्रेम ड्रॉप नहीं है। AKM में मेरा फेवरेट गन है एक्चुअली, मैं बताऊँ तो। ओ 30,000 रुपीज में डेफिनेटली एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन बन जाता है, जितने भी मैंने परफॉर्मेंस चेक करी है। मल्टीटास्किंग चेक करते हैं, क्रोम ओपन, ओके फास्ट ओपन हो रहा है। मैसेज कैमरा, ओके ये भी फास्ट ओपन हो रहा है। सिक्योरिटी, ओके ये भी फास्ट है। गेट एप्स, ओके मल्टीटास्किंग स्मूथ, ऐसा कोई लैग जिटर नहीं है। जो स्टोरेज है वो है UFS 3.1, 5080mAh की बैटरी है, 67W टर्बो चार्जर। एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देना चाहिए, क्योंकि जो चिप है वो पावर एफिशिएंट है। इसका हैप्टिक फीडबैक भी काफी अच्छा है, 4D वाइब्रेशन मोटर है। बाकी इसमें वाईफाई 6 है, 5G है, 5G बैंड सपोर्ट है। बाकी सेटिंग्स में गए, अबाउट में गए, MIUI 13 दे रखा, एंड्रॉइड 12 है। सो ये था एक कंप्लीट Redmi K50i। ऑनेस्टली बताओ, जितना मैंने फोन को टेस्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये फोन परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए जो गेमिंग करते हैं फोन में, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी। लाइक अगर आपको इस फोन में गेमिंग करने हैं बहुत तगड़ी कर सकते हो। उनका रियर कैमरा मुझे काफी अच्छा लगा, जिनकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस होगी उनको ये फोन पसंद आएगा। ओके इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 25999 है, बट ऑफर कार्ड वार्ड्स लगा के ये आपको 20999 में मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली कह सकते हैं फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है ये फोन, वैल्यू फॉर मनी बन जाता है परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए। दबा दो लाइक बटन, देखो फैला दो। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।